और चले इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग, भारत में चीनी महिला जासूस की घुसपैठ हुई है। चीनी महिला जासूस के निशाने पर दलाई लामा है। बोधगया पुलिस ने चीनी जासूस का स्केच जारी किया है। एक महीने दलाई लामा बोधगया में कालचक्र पूजा करेंगे। चीनी जासूस का नाम मिस सोंग जियोलेन बताया जा रहा है। जासूस का वीजा नंबर भी सामने आया है जो कि 901BAAB2J है। महिला जासूस का पासपोर्ट नंबर भी सामने आया है और पासपोर्ट नंबर भी जो सामने आया है उसके मुताबिक पीपी नंबर है उनका EH272976। तो चीनी जासूस घुसपैठ भारत में हुई है और इस चीनी महिला जासूस के निशाने पर दलाई लामा है। अभी चाइना का बताए जा रहे हैं जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है। इनपुट तो आया ही होगा, कोई तो बेस होगा ना उसके। नहीं, वही मैंने बताया ना कि इनपुट आया कि ये चाइनीज लेडी हैं और ये इनका उनका जो स्केच है तो वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर कोई आई हैं कहीं रुकी हैं तो हम जितने भी यहाँ पे ठहरने के स्थान हैं उन सभी जगह पे जाके उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और देखिए जो स्केच जारी किया गया है उसके मुताबिक ये वो चीनी महिला जासूस है जिसको जिसके लिए बड़ा खुलासा किया गया है, जिसने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है। दलाई लामा पूजा में शामिल होने के लिए इस वक्त बिहार में है, बोधगया में है और इस चीनी जासूस का नाम मिस सोंग जियोलेन है जिसका बकायदा स्केच भी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। बड़ा सबूत मिला है, इसका पासपोर्ट नंबर सामने आया है और देखिए ये स्केच जारी किया गया है उस चीनी महिला जासूस का जिसके निशाने पर दलाई लामा है। इस चीनी जासूस का वीजा नंबर भी देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ ओझा मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या अपडेट, क्योंकि अब ये चीनी जासूस जिसके निशाने पर दलाई लामा है, क्या जानकारी और इसके बारे में मिल पाई है? देखिए बिल्कुल, देखिए बिहार के बोध गया में 29, 30 और 31 तीन दिन का दलाई लामा का टीचिंग प्रोग्राम चलता है जो कालचक्र पूजा के नाम से जाना जाता है और इस पूजा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो बोध गया पहुंचते हैं। हालांकि दलाई लामा 27 को ही यहां पहुंच गए थे और लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम होते हैं काफ़ी एजेंसियाँ सतर्क होती हैं और इसी क्रम में एक संदिग्ध चीनी महिला के बारे में जानकारी मिली और जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई है और साथ में तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारी एजेंसियों को भी दी गई है और इस मामले को लेकर एक स्केच तैयार किया गया है और इस केस को सर्कुलेट किया जा रहा है और यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि यह महिला कहां छुपी हुई है, क्योंकि कई बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी में जो चाइना से भी काफी लोग यहां आते हैं, इसके अलावा जापान से आते हैं, तो ऐसे में इसकी तलाश करना एक मुश्किल है। लेकिन तमाम एजेंसियां इसमें खुद जुटी हुई हैं और पुलिस मुख्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, क्योंकि दलाई लामा जब आते हैं तो स्टेज उनकी सुरक्षा को लेकर एक लंबा चौड़ा जो कारमा होता है वो होता है और काफ़ी एहतियात होती है। दलाई लामा कालचक्र पूजा के दौरान किसी से अपने सहयोगियों के अलावा किसी से नहीं मिलते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसे भी चाक चौबंद होती है। लेकिन आपको बता दें कि आज से 4 साल पहले जिस तरीके से कालचक्र पूजा के दौरान ही वहां विस्फोट करने की भी बोधगया में कोशिश हुई थी, कई जिंदा बम बरामद किए गए थे और उस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी उनका भी लिंक कहीं ना कहीं इन आतंकी संगठनों से मिला था और चाइना के जासूस से मिला था, तो इसको लेकर काफ़ी एहतियात पहले से ही बरती जा रही थी। उसी क्रम में इस संदिग्ध चीनी महिला के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद इस तमाम एजेंसियां इसकी सुराग पाने में लगी हुई हैं। गया के SSP खुद मौके पर बोधगया में मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। इसके अलावा गया रेंज से जो DIG हैं वहाँ पर, IG जो वहाँ पे हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और साथ ही जो ATS की टीम है उसको भी वहाँ भेजा गया है कि ताकि विशेष किसी भी परिस्थितियों में निपटने को वो तैयार रहें। बिल्कुल, एक बार फिर जो है 4 साल पहले वाली घटना यहां पर जरूर दोहराने की कोशिश की जा रही होगी, तभी इस तरह से इतना बड़ा खुलासा हुआ है। अमिताभ, क्या ये महिला जासूस इसके साथ और भी इसके साथी हो सकते हैं और कहां कहां इसके लिए छानबीन फिलहाल की जा रही है टीम की तरफ से?
देखिए जिस तरीके से महिला का पूरा डिटेल्स गया पुलिस के पास मौजूद है, जो इंटेलिजेंस ने जानकारी दी है, उससे ये साफ पता चलता है कि इसके पीछे एजेंसियां पहले से लगी हुई थी और उन्हें इस बात की जब पुख्ता कंफर्मेशन उनके पास हो गया कि ये संदिग्ध चीनी जासूस ही है, क्योंकि उसका पासपोर्ट नंबर और तमाम जो डिटेल्स है वो अधिकारियों के पास मौजूद है, उसका स्केच जो एयरपोर्ट पर जो वहाँ वो आई थी वहाँ का डिटेल्स, उसके फोटो तस्वीरें मौजूद हैं और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद हैं और इन्हीं तस्वीरों के सहारे वो आगे तलाश में लगी हुई है। देखिए लगातार जब बोध गया में दलाई लामा का कार्यक्रम होता है, ये निशाने पे होता है और उस दौरान कई तरह के खतरे वहाँ पे होते हैं और इसको लेके हर साल तैयारियाँ की जाती हैं और इस बात को लेकर, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मोनेस्ट्री हैं, जो अलग अलग देशों के जो मोनेस्ट्री हैं वहाँ इनका पनाह होता है, तो वैसे जगहों पे इनकी तलाश एक महत्वपूर्ण ये है। और ये भी बात साफ है कि देखिए इस तरह का जब कोई जासूस आता है या फिर दूसरे तरीके से जो साजिशें होती है उसमें अकेला कोई नहीं होता है, तो अब एजेंसियाँ इस बात की भी पता लगाने की कोशिश में हुई है कि आगे का उसकी रणनीति क्या है और किस तरीके से कहाँ कहाँ उनका मूवमेंट हुआ है और उस मूवमेंट के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है और उससे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसमें स्थानीय कोई ना कोई लिंक तो जरूर होगा और वो लिंक कौन सा है, इसको भी तलाशा जा रहा है वहां पे। बिल्कुल, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट्स यहां पर मिले हैं और जिस तरह से चीनी जासूस का वीजा नंबर, पासपोर्ट नंबर तक पुलिस के पास है, बकायदा स्केच भी जारी कर दिया गया है। क्या लग रहा है अमिताभ, क्या अभी भी बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि अब हालांकि स्केच जारी जरूर कर दिया गया है, वीजा नंबर यहां पुलिस के पास है, एयरपोर्ट से वो बाहर आ चुकी है, बिहार में कहीं ना कहीं ये लोग छिपे हुए हैं, तो क्या अभी भी बड़ी चुनौती से माना जाए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं इस कालचक्र पूजा में बड़ी संख्या में विभिन्न देशों से लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने और वहाँ एजेंसियों के सामने, क्योंकि कालचक्र पूजा में अभी तक देखिए 60,000 से ज़्यादा वहाँ जो विदेशी और जो धर्मावलंबी के लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ टीचिंग प्रोग्राम में काफ़ी वहाँ पे भीड़ होती है, हालांकि जो सुरक्षा इंतजाम है उनकी दलाई लामा की सिक्योरिटी व्यवस्था बिल्कुल अलग होती है और उसमें सुरक्षा घेरे में वो हमेशा रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोनेस्ट्री से जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है वहाँ उन्हें लाने जाने का जो रास्ता है उसे कल से बिल्कुल सील कर दिया है, सिर्फ वहाँ पे दलाई लामा ही आ सकते हैं, उनका और उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो ही आ सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तमाम जो देशों के जो लोग आए हुए हैं उनके बीच में इस महिला जासूस की तलाशी एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, पुलिस को ये भी नहीं पता है कि उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ उनका ठिकाना हो सकता है, क्योंकि अलग अलग हर एक देश में छोटी छोटी अलग अलग मोनेस्ट्री होती हैं जहाँ जो विदेश से जो लोग आते हैं वो अपने मोनेस्ट्री में ठहरते हैं, कुछ होटलों में ठहरते हैं और इस दौरान अगर हम देखें तो बोधगया लगता ही नहीं कि बिहार में, लगता है कि हम थाईलैंड या बैंकॉक में दूसरे जगहों पे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में विदेशी जो है वहाँ पे टीचिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आते हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और इसको लेकर वहाँ पे स्पेशल जो टास्क फोर्स है उसके भी टीम की तैनाती की गई है, ATS के लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और उसके बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है इस चीनी महिला जासूस की अब धरपकड़ करना, एक ये एकमात्र लक्ष्य रह गया है। लगातार आपको अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ ओझा। और